दोस्तों चेन्नई सुपर किंग फैंस के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको ये बता दें कि आईपीएल 2024 के ट्रेंडिंग विंडो खुल गया है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग इन पांच बड़े खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करने वाली है। तो पूरी खबर बताएंगे आज के इस वीडियो में, मगर उससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के बड़े वाले फैन है तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2024 के लिए काफी पहले से ही ट्रेडिंग विंडो की खबर आ रही थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने ट्रेडिंग विंडो को ओपन कर दिया है, जिसमें अब आपको कभी भी खबर आ सकती है खिलाड़ियों के अदला बदली को लेकर। वहीं बीसीसीआई ने ऑक्शन के डेट को भी कंफर्म कर दिया है, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक होने वाला है। ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी पूरी तरह से तैयार है। वहीं चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो वह ट्रेडिंग विंडो के जरिए इन पांच खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे चेन्नई सुपर किंग की टीम ट्रेड करने वाली है। पहले खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है दिनेश कार्तिक। दोस्तों आपको बता दे कि दिनेश कार्तिक वर्तमान समय में आरसीबी के तरफ से खेलते हैं और इनका प्रदर्शन आईपीएल 2023 में कुछ खास नहीं रहा था, इसलिए आरसीबी इन्हें चेन्नई सुपर किंग के साथ ट्रेड करने वाली है। वहीं दिनेश कार्तिक की बात करें तो यह एक खतरनाक फिनिशर है और इस आईपीएल 2024 में अपने फॉर्म में आ सकते हैं, इसलिए चेन्नई सुपर किंग की टीम इन्हें ट्रेड करने वाली है। वहीं दूसरे खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है मयंक अग्रवाल, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से अभी खेलते हैं और ये एक बेहतरीन खिलाड़ी, इनको लेकर भी चेन्नई सुपर किंग की टीम लगातार सनराइजर्स हैदराबाद से बात कर रही है। वहीं अब तीसरे खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वो है केन विलियमसन। दोस्तों केन विलियमसन एक बेहतरीन खिलाड़ी है और सीएसके अपनी पूरी कोशिश में है कि इनको चेन्नई सुपर किंग की टीम में शामिल किया जाए। वहीं चौथे खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वो है देवदत्त पाटीकल। आपको ये बता दें कि देवदत्त पाटीकल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वह राजस्थान रॉयल्स की टीम को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर देवदत्त पाटीकल की बात करें तो यह एक शानदार ओपनर है और यह गजब का बैटिंग करते हैं, जिसके कारण से चेन्नई सुपर किंग की टीम इन्हें ट्रेड कर अपने टीम में शामिल करना चाहती है। वहीं पांचवें खिलाड़ी को लेकर बात करें तो वह है उमरान मलिक। दोस्तों उमरान मलिक को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में ज्यादा मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम के साथ ट्रेड करना चाहती है। तो दोस्तों ये है पांच बड़े खिलाड़ी जिसे चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2024 के लिए ट्रेड करने वाली है। तो दोस्तों इनमें से आप किस खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग की टीम में देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।